हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, ऐसे बच्चे को सर्दी, जुखाम, खांसी अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो उनके चारों तरफ होता है, बच्चा उसे कैच कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी, जुखाम, खांसी हो जाती है। और हर बार बच्चे को सर्दी, जुखाम, खांसी होने पर हम उसे दवाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हम घर की होम रेमेडी ही बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ऐसी ही 4 होम रेमेडी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो बच्चे की सर्दी, जुखाम, खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट होम रेमेडी है घर का बना हुआ। फर्स्ट है घर का बना हुआ विक्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि विक्स से सर्दी, जुखाम, खांसी, बंद नाक में कितनी जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन छोटे बच्चों के केस में हम बच्चे को विक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बच्चे को एलर्जी भी कर सकता है और बहुत छोटे बच्चे के लिए ये बना भी नहीं होता। तो घर पर आप विक्स बनाकर बच्चे के लगा सकते हैं। इस विक्स को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच देसी घी और 4 क्यूब्स कपूर के। क्यूब्स छोटे वाले जो कपूर के आते हैं वो। इसके बाद एक पैन में घी को लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। जब घी पिघल जाए तो इसमें 4 क्यूब्स कपूर के डाल दीजिए और इसे पिघलने तक गर्म होने दीजिए। जब कपूर के क्यूब्स मेल्ट हो जाएं, गैस को बंद कर दीजिए और इसे ढककर रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो एक डिब्बे में से पलट लीजिए और डिब्बे को तुरंत बंद कर दीजिए। ये तैयार है घर पर बच्चों के लिए विक्स। आप 15 डेज से बड़े बच्चे पे ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 15 डेज से 1 मंथ तक के बच्चों के लिए आपको केवल पैर के तलुए पे ही इसे अप्लाई करना है। और जब बच्चा सोने जा रहा है तो उस केस में इसे अप्लाई करिए, फिर बच्चे के पैर को ढक दीजिए। आप बच्चे को सॉक्स पहना दीजिए। और अगर बच्चा 1 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप थोड़ा सा विक्स लीजिए, बच्चे के सीने पे लगाइए, बच्चे की पीठ पे लगाइए और पैर के तलवे में लगाइए। लेकिन ध्यान रखिए, ये वाला विक्स भी आपको बच्चे के नोज़ पे नहीं लगाना है, बच्चे के हाथ पे बिल्कुल नहीं लगाना है और बच्चे के माथे पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा टच कर सकता है और फिर वो हाथ बच्चे की आँख में लग सकता है, मुँह में लग सकता है। इसलिए ये सिर्फ आपको बच्चे के सीने और पीठ पर ही लगाना है। नेक्स्ट है जायफल का पेस्ट। जायफल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बच्चों के लिए। जायफल का पेस्ट बच्चों की सर्दी, जुखाम, खांसी में बहुत हेल्प करता है। अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो जायफल के पेस्ट को लगाने का अलग तरीका होता है। तो जायफल का पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए 1 जायफल और कुछ ड्रॉप पानी के, और इसे आप सिलबट्टे पे या किसी भी ऐसी रफ चीज़ पे जिस पे आसानी से ये घिस जाए, इसे पानी के ड्रॉप डालकर घिस लेना है। अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो उस केस में जायफल का गाढ़ा पेस्ट आपको बनाना है और इस पेस्ट को बच्चे के माथे पे और बच्चे के सीने पे लगाना है। ऐसा दिन में आपको 2 बार करना है। और अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है, यानी हम उसे जायफल खिला सकते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा पतला पेस्ट बनाना है। जो जायफल का पेस्ट आपने बनाया उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिए और 0.5 ml आपको इसे बच्चे को खिलाना है। याद रखिए, 0.5 ml ही आपको 6 मंथ से लेके 1 साल के बच्चे को खिलाना है। और अगर बच्चे की एज ज़्यादा है तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम बता पाएँ कि उसकी कितनी क्वांटिटी आपको बच्चे की एज के अकॉर्डिंग खिलानी है। नेक्स्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है पान के पत्ते से बच्चे के सर्दी, जुखाम, खांसी को ठीक करना। इसके लिए आपको चाहिए 1 फ्रेश पान का पत्ता, थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इस सरसों के तेल को पान के पत्ते पे लगा दीजिए। पान के पत्ते को तवे पे गरम करिए। पत्ते को हल्का सा ही आपको गरम करना है और 15 डेज से बड़े बच्चे के ऊपर उसके सीने पे आपको इसे लगाना है। ध्यान रखिए, पहले आप अपने हाथ पे टेस्ट करिए कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चे की स्किन थोड़ी रेड हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल हल्का गर्म ही आपको इसे बच्चे के सीने पे लगाना है। उसके बाद इसे कपड़े से ढक दीजिए, यानी बच्चे को कपड़ा पहना दीजिए,
और अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा है तो बच्चा लेटा रहेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा 3 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप एक कॉटन के कपड़े से इसे बांध दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ये कंफर्टेबल रहे, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक आपको इसे बच्चे के सीने पर ही रखना है। 1 घंटे के बाद पत्ते को हटा दीजिए। ऐसा दिन में आपको 2 बार करना है और ये बच्चे के सर्दी जुकाम खांसी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट होम रेमेडी पे। इसके लिए आपको चाहिए 3 पान के पत्ते, इसे गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसे तोड़कर खल्लड़ में कूट लीजिए, फिर इसका रस अच्छे से निकालिए। 1/4 चम्मच हनी लीजिए और उसमें 1/4 चम्मच पान के रस को मिला दीजिए और बच्चे को पिलाइए। ऐसा दिन में आपको 1 बार करना है और ये वाली होम रेमेडी 1 साल से बड़े बच्चे के लिए है। 1 साल से छोटे बच्चे को हम हनी नहीं दे सकते, इसलिए ये होम रेमेडी हम 1 साल से छोटे बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ 1 साल से बड़े बच्चे के लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।